वापस से आपका स्वागत है गाइज मेरे इस व्लॉग में। तो आज के सफ़र के बारे में बात करें तो आज हम जाने वाले हैं एक गुफा में जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और लोकेशन की बात करें तो पोखरा लेक साइड से करीब करीब 20 मिनट का रास्ता है। किलोमीटर की बात करें तो 9 किलोमीटर हमें जाना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ शॉर्टेस्ट रूट की। तो पोखरा लेक साइड से निकलने के बाद अर्चल बोर्ड से होते हुए विंध्यवासिनी मंदिर और फिर सेती नदी से सीधे हम लोग पहुंच जाएंगे महेंद्र गुफा में, बट हम चिपलेढुंगा होते हुए जा रहे हैं आज। यहाँ की एक खासियत है गाइस, मतलब पोखरा में ना अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी, मतलब घुटने घुटने तक भी अगर बारिश हो गई यहाँ पर, तो फिर भी एक घंटे के अंदर पूरा पानी जो है ना ये यहाँ का मिट्टी सोख लेता है उसे। इसका कारण पूछने पे मुझे आंसर मिला कि यहाँ की जो ज़मीन है ना वो अंदर से खोखली होती जा रही है, इसलिए जितना भी पानी यहाँ पर बरस जाए वो पूरा सोख लेता है यहाँ की जो ज़मीन है ना। मैंने अभी तक की जर्नी में ना गाइज एक एक्सपीरियंस किया है यार, कि कहीं पर भी अगर हम लोग को ना रास्ता भटक जाए ना, हम तो पुलिस वालों से ज़रूर पूछ लो आप, वो लोग सही सही बता देते हैं। बुलट रानी सामने का व्यू बड़ा मस्त लग रहा है यार, नीला नीला आसमान और हल्के फुल्के बादल ना, मस्त लग रहा है। चिपलेढुंगा का मतलब है यार फिसलने वाला पत्थर। यहाँ की मार्केट में बहुत ज्यादा रश है यार, देख सकते हो आप लोग, पार्किंग लग रही है। इस चौराहे से हम लोग को लेना है लेफ्ट, और एग्जैक्टली लोकेशन तो हम लोग को पता है नहीं, हम वैसे कोई अभी तक वहाँ पर गया नहीं है, तो यार एक जुगाड़ हम सबके पास रहता ही है, तो बताओ वो क्या जुगाड़ हो सकता है। इसी जुगाड़ की बात कर रहा था यार मैं, लोकेशन अपने को पता ना हो ना तो बस इसका यूज़ कर लो, गूगल मैप है ना अपने पास। क्रिएटिविटी देखो यार बंदे की, दो खोखरी और एक गोरखा हेड के साथ। अभी हम पहुंच चुके हैं सेती नदी के पास में, बस कुछ ही मिनटों में यार हम लोग अब पहुंचने वाले हैं। बट एक चीज़ मैंने नोटिस किया, लेफ्ट साइड में जितने भी घर दिख रहे हैं ना आप लोग को, देखो इनका डिज़ाइन और कलर ना लगभग लगभग सेम दिख रहा है ना, और सामने बादल तो हैं ही काले काले, उसके साथ साथ सूर्यदेव के हल्के हल्के दर्शन हो रहे हैं अभी। लेफ्ट हुआ ना लेकिन ऐसे था, ये मेरे गुफा जाने वाले, हां इन्हें हम के महेंद्र गुफा, गुफा में एंट्री के लिए पर्ची कटवानी पड़ती है पहले, तो जो यहाँ के लोकल नेपाली लोग हैं ना उन लोगों के लिए सिर्फ 50 रुपये है और विदेशियों के लिए 150 रुपये, तो मतलब हम लोग भी विदेशी हो गए ना। गुफा में जाने के लिए नीचे की तरफ एक सीढ़ी जाती है, लेफ्ट साइड जाने के लिए और राइट साइड आने के लिए, वही जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना सेम वही चीज़ है। लेकिन आते वक्त ना हम लोग वापस इस रास्ते से नहीं आएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अंदर जाने से पहले ना इसे ज़रूर पढ़ लेना यार एक बार, तो इसमें लिखा है गुफा के अंदर देवी देवताओं की मूर्ति और आकृतियां हैं, तो उन्हें तोड़फोड़ करना सख्त मना है, और अगर तोड़फोड़ करते हुए कोई पकड़ा गया तो उसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अभी हम गुफा के अंदर एंटर कर चुके हैं, यहाँ पर जगह जगह लाइट दी गई है ताकि लोगों को दिखते रहे
जैसे कि नाम तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है यार, ये महेंद्र गुफा जो है ना, ये चूने के पत्थर की गुफा है। गुफा की भी खासियत के बारे में बात कर लेते हैं यार। गुफा में ना जो रोशनी की किरणें पड़ती है ना, किरणें पड़ने पर यह चमकता है। एक रास्ता यहाँ को जाता है। गुफा में चमगादड़ भी बहुत है यार, लेकिन उसके लिए हम जाएंगे इसके नेक्स्ट वाली ब्लॉग में, मतलब कि दूसरी वाली गुफा में। पानी में टपक रहा है ऊपर से। पूरा रास्ता जो है वो बड़ा खबड़ है, ये देख सकते हो। ये देख सकते हो पूरा पानी टपक रहा है यहाँ से ऊपर से। अब मैं आपको बताता हूँ इसका नाम महेंद्र गुफा कैसे पड़ा। तो स्वर्गीय राजा महेंद्र वीर विक्रम शाह देव इसे देखने के लिए पोखरा आए थे ना जब, तभी से इसका नाम जो है महेंद्र गुफा रखा गया। शिव भक्तों के लिए तो ये जगह बहुत ही पवित्र मानी जाती है। इसको लेंथ बाहर बाटे 125 मीटर की दूरी निधि सिद्धि गणेश के मंदिर महेंद्र गुफा पता लगाएगा 63 वर्ष बाद जल स्नान करने ठाउँ जलकुंड जो खास है गणेश जी को मंदिर हो। ओम गजानन भूतगणादि सेवितं कपियोति जम्बूफलचार वक्षणम मासतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंगजम ओम गणपते नमो नमः। सुबह जी सिद्धि विनायक श्री गणेश जी का मंदिर है। हाँ, ये स्वयं प्राकृतिक मूर्ति है, ये मानव निर्मित केव नहीं है, प्राकृतिक केव है, प्राकृतिक मूर्ति है। प्राकृतिक मूर्ति है, तो आप देख सकते हो सिद्धि विनायक गणपति बापा मौर्या, हम सब पर कृपा करते रहे अपनी। ओम नमो दवकतुन महाकाय त्रिपुरेश्वरपुरवने विघ्नं कुरु देव सर्वकारी सुचल तमाति भक्ति त्रिभक्ति धनि जन्म दिने माता पिता विष्णु गणे जन्म रोग कष्टहरू सम्पूर्ण परिवार सुखी दीर्घायु सुस्वास्थ्य का मंगल सम्पूर्ण परिवार को कल्याण। तो गाइज ये गुफा जो है थोड़ी सी फिसलन भी है, नीचे आप आराम से चलिएगा इसमें, ये ऊपर से जो है पानी गिरता रहता है यहाँ पर। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूँ नीरज, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो गाइज आज का टूर जो है वो है महेंद्र गुफा में। तो जैसा कि मैंने आप लोग को अभी वीडियो दिखाई और मेरे पीछे आप देख सकते हो गणपति बापा की यहाँ पर मूर्ति है। तो ये जो गुफा है ये प्राकृतिक गुफा है, मतलब कि ये किसी ने बनाई नहीं है, ये अपने आप ही बनी हुई है। तो ये सब मैंने आप लोग को अभी दिखाया और यहाँ पर मैं आप लोग को लेके आया हूँ। तो अभी हम लोग अब जाएंगे दूसरे गुफा में। तो ये वाली जो गुफा है इसमें पूरा अंधेरा है, इसलिए इसमें से नहीं जाएंगे हम। ये आप देख सकते हो सर, हम लोगों ने डिसाइड किया है फिर ये अंधेरे वाले से ही हम लोग निकलेंगे बाहर, देखते हैं। लाइट में भी टॉर्च है ही हमारे पास, तो चलते हैं गाइस। अभी हम लोग ये निकल रहे हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। ऊपर हम तीन लोग हैं लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही टॉर्च है। टॉर्च की लाइट से हम लोग जा रहे हैं अभी ऊपर को, और ये यातना बैग इधर रखना पड़ेगा। आराम से चलिएगा, बहुत ही पतली जगह है और फिसलन भी है साथ में। तो यार जिस रास्ते से हम लोग आए थे उस रास्ते हम वापस नहीं गए, थोड़ा हमने अपना जो डायरेक्शन है वो थोड़ा चेंज कर दिया था।
यार अब है मेरी बारी ऊपर जाने की। फोटो खींच रहे खींच दे। तो यार फोटोग्राफी भी चल रही है साथ में वीडियोग्राफी की। तो अब हम निकल रहे हैं वापस गुफा के बाहर। तो यार वापस महेंद्र गुफा से आते वक्त देख रहे हो आप, यहाँ से हम लोग आए हैं, ये देख सकते हो। लेकिन एंटर हम लोगों ने वहाँ से किया था उसके पीछे।